हर हर महादेव। तो बस अब हम यहाँ से आज फिर दोबारा चौहान के होटल रुके थे, तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री जी की तरफ। तो आज हमारा प्लान है कि हम हर्षिल में रुकेंगे, वन नाइट स्टे वहाँ पे करेंगे, और उसके बाद फिर जैसे भी रास्ता आएगा आपको बताते रहेंगे, जैसा भी कुछ नया होगा देन देखते हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर बाद में। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे आते हैं बरकोट से, हम गंगोत्री की तरफ जाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 2-4 किलोमीटर आगे चलने के बाद ही एक सुरंग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये सुरंग मिले। ये कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को तो नहीं है एटलीस्ट। तो जैसे होगा फिर बताएंगे आपको। ओके, मिलते हैं फिर बाद में। पे रुके हैं थोड़ी 5-10 मिनट के लिए, अभी चाय पीने का मन था मेरा भी और शहरी का भी। तो हमारे पीछे जो ढाबा है ये लोग जो है ये नेपाली हैं, और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे ढाबा चला रहे हैं, और आंटी अच्छी हैं, चाय पी हमने, बहुत बढ़िया। तो हम काफ़ी आगे तक आ चुके थे और करीब 40 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी। तो यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है, और अब दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि रास्ता कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। काफ़ी पीछे हमारे गाड़ियाँ खड़ी हैं और आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक वाले खड़े हैं सब। तो फिर वेट करने के सिवा कुछ और है भी नहीं, अब वेट करते हैं, देखते हैं कब होगा। ऊपर से रुक रुक के पत्थर भी गिर रहे हैं, थोड़ा सा लैंड सेटिंग हो रही है तभी सब रुके हुए हैं वहाँ पे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। तो भाइयों बस अभी जैसा कि पीछे लैंडस्लाइड हो रही थी, रुक रुक के पत्थर गिरे थे बेसिकली, वो 2-4 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। पिछले 2 दिन से लगी हुई है गवर्नमेंट की रोड को क्लीन करने के लिए, बट वो अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अभी भी क्रेन वगैरह जैसे देखा था पहले
लगी हुई थी रास्ता क्लीन करने के लिए। तो बस ठीक है, उन्होंने क्लीन किया, फटाफट क्लीन किया ताकि ट्रैवलर जो है हमको दिक्कत ना आए ज़्यादा। तो रास्ता जैसे क्लीन हुआ, जैसे हमने ऊपर से वो निकाला, फिर उस टाइम पे भी जैसे हम निकाल रहे थे उस टाइम पे भी छोटे छोटे पत्थर रुक रुक के गिर रहे थे। तो बस मतलब ये है कि कुछ एक रास्ता तो ठीक है, मतलब अगर बरकोट से हम चलते हैं मतलब आप लगा के चलो 25-30 किलोमीटर के बाद ये थोड़ा रास्ता ऐसे ही आता है खराब वाला, जहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रखी है और रास्ता भी पूरा खराब है, मतलब ऑफ रोड है जिसे कहते हैं ना कि पूरी ऑफ रोड। वैसा बीच बीच में ऐसा था कि गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती थी बहुत, मतलब ध्यान से निकालना पड़ता है, कीचड़ हो रखा पूरा, स्लिपरी हो रही है हो रखी है, कई बार टायर भी स्पिट कर जाते हैं। तो सजेशन यही है कि पहले गियर में चलाओ, आराम से चलाओ, पैनिक मत हो, इसकी मेन बात ये है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। जय शंकर, जय बोले। अब हम पहुंचे हैं केदार वाटरफॉल और उसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। क्या बात है, रेनबो बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा। जय गंगा मैया की। गंगा भैया हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो बस हम हर्षिल पहुंचने वाले हैं अभी, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर का रास्ता होगा यहाँ से। और ये पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, तो सोचा है थोड़ा सा वीडियो बना लें और आप सबको दिखा दें कि कैसा व्यू है।
तो हम बस अभी 7:45 का टाइम है अभी, और हम गंगोत्री जी पहुंच चुके हैं। ये इसका माता जी के दरबार का एंट्रेंस है, तो हम एंटर हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा मंदिर गंगा मैया जी का, गंगोत्री धाम। यहाँ पे अभी सारी दुकानें बंद हो गई हैं, सुबह खुलेंगी और फिर मिलाते हैं। आरती 7 बजे होगी गंगा जी की, और फिर देखते हैं। जय भोलेनाथ की, जय गंगा मैया की। तो यहाँ से थोड़ा सा एक दो दुकानें खुली हुई हैं, मिठाई की दुकान है यहाँ पर, खच्चर वगैरह तैयार है। ये रास्ता सीधा गंगोत्री जी के मंदिर जा रहा है, गंगोत्री धाम जा रहा है। 2-4 दुकानें खुली हुई हैं। माँ गंगा मैया जी का मंदिर में जाने के लिए एंट्री पॉइंट, जय गंगा मैया जी। हर हर गंगे, जय गंगा मैया की जय हो, 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 जय गंगा मैया की जय हो। मैं भी यहाँ पर रूम लिया है, यहाँ पर हम आज रात को रुकेंगे। रोहित प्रोविजनर स्टोर, यहाँ पर आज रात को रुकेंगे। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा रास्ता है, ऊपर जा रहा है, जो
कमरे में जा रहे हैं। 304 नंबर कमरा है यहाँ पर जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। और मौसम बहुत ख़राब ही कह सकते हैं क्योंकि धुंध पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पर टेबल्स हैं, फैन भी है और यहाँ पर सुबह सुबह सफाई चल रही है। दुकान शटर आधा हाफ है और हम अब जा रहे हैं गंगा जी के घाट पर नहाने के लिए। सामान हमने ले लिया, कपड़े और पोलोथिन में हमारे कपड़े हो गए हैं, टावल वगैरह सब। चलो चलते हैं फिर हर हर गंगे। सुबह सुबह के टाइम में सारे दुकानें बंद ही पड़ी हैं, ऑलमोस्ट हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदा बांदी। जय हो गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की। जय बादलों में धुंध है बहुत ज़्यादा। जय हो गंगा मैया की। जय हो, जय हो, हर हर गंगे। अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ जहाँ पर नहाने का पूरा प्रबंध है। मैंने मग्गा ले लिया है नहाने के लिए और अब नहाएंगे यहाँ पर। पानी बहुत ठंडा होगा, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, पूरी पूरी से बारिश आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। जय हो गंगा मैया की। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। जय गंगा मैया की। जय, जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस अभी मैं नहा के हटाऊँ बस और अभी कपड़े पहन रहा हूँ। जय भोलेनाथ की। भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। जय गंगा मैया की। जाओ गंगा मैया की। ये वो रास्ता है जहाँ से हमारा रूम शुरू होता है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये साथ में गंगा मैया जी जा रहे हैं। शहरी कपड़े पैक कर रहा है और ये रूम नंबर है 304 जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और आज रात को हम, आज सुबह बेसिकली विद इन आधे घंटे के अंदर अंदर हम चले जाएंगे वापस केदारनाथ की तरफ। जय गंगा मैया की। यहाँ पर अब जैसे ही हमने अभी दर्शन किए हैं माता गंगोत्री जी के, उसके बाद नीचे जब आते हैं वापस उतरते हैं तो यहाँ पे भैरव घाटी है।
और मान्यता है कि गंगोत्री जी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही यात्रा संपन्न होती है। और यहाँ से फिर आगे एंट्रेंस है। जय भैरव बाबा।